नमस्कार, सुकरात आईएएस में आपका स्वागत है और मैं कन्हैया झा आज इंडियन पॉलिटी का एक नया चैप्टर फिर से शुरू करने वाला हूं और आज संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी। ये इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान का यहाँ से शुरू हो जाता है और भाग एक जो संविधान का है उसमें यहाँ से 1 से 4 अनुच्छेद मिलते हैं। इसमें जो भारत है उसका कितना विस्तार है, उसमें क्या क्या संघटक हैं और उसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं, उसका पूरा विवरण दिखाई पड़ता है। तो शुरू करते हैं इसको। जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, वो सीधा सीधा कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इससे हमको 2 बातें पता चलती हैं। पहला, संविधान जो देश है भारत, उसका 2 नाम रखता है। एक नाम भारत है और दूसरा नाम इंडिया है। यहां ध्यान ये रखना है, कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, संविधान में भारत को किन नामों से संबोधित किया गया है। जैसे क्या इसको आर्यावर्त कहा गया, क्या हिंदुस्तान कहा गया, या और भी जो पुराने नाम हैं वो रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि केवल 2, भारत और इंडिया संदर्भ लिया गया है संविधान में। भारत शब्द जो लिया गया वो जो पुराने राजा भरत हुआ करते थे, भरत के नाम पर ही भारत नाम रखा गया। वही जब ईस्ट इंडिया कंपनी का काल था उस समय इंडिया इसका इंटरनेशनल नाम हो चुका था और सभी लोग जो था इंडिया को ही जानते थे विदेशों में। तो इन दोनों ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इनका और जो अंतर्राष्ट्रीय छवि इस पूरे देश की बन गई थी उसको बनाए रखने के लिए संविधान में दोनों चीजों को स्थान दिया गया। तो जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो दिमाग में जरूर रखना है कि भारत अर्थात इंडिया, यही दोनों नाम संविधान में मिलते हैं भारत के नाम के लिए। तो अनुच्छेद 1 में पहला चीज आता है नाम, और जो दूसरा आता है वो आता है राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टेट। तो ये जो भारत है इसका नेचर कैसा होगा, ये बात हमको फिर से अनुच्छेद 1 ही बताता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि ये जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य होंगे और सब मिलकर यूनियन के रूप में आएंगे। यहां ध्यान रखना है, संघ का एक इंग्लिश होता है फेडरेशन, फेडरेशन। अब फेडरेशन जो है उसका फेडरल वर्ड हिंदी मतलब संघ ही होता है। भारतीय संविधान में इस फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। बल्कि राज्यों के संघ के रूप में जो इंग्लिश टेक्स्ट लिया गया है वो है यूनियन ऑफ स्टेट। ये है यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन। अब यहां पे एक थोड़ा सा अंतर है कि ये यूनियन क्यों रखे, फेडरेशन क्यों नहीं रखे। तो देखो, हुआ ये था, अभी आगे भी चर्चा होगी, कि अमेरिका जो पुराना संघ था या सोवियत संघ जो फेडरेशन अपने आप में था, वहां पे राज्यों ने, बहुत सारे राज्यों ने, जैसे यहीं पे मान लें कि ये राज्य अगर एक साथ मिलकर और अपनी इच्छा से सरकार बनाते या एक बड़े संघ का निर्माण करते तो उस स्थिति में ये जो समझौतावादी संघ होता वो फेडरेशन को बता सकता था। लेकिन हमारा जो राज्य बना वो इस नीचे से ऊपर के अप्रोच में, बॉटम टू टॉप का अप्रोच नहीं है, बल्कि जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने संविधान सभा को सारी शक्तियां सौंप दी थी और यही संविधान सभा ने अपनी सुविधा और दक्षता को देखते हुए कि कौन सा काम कहां से बेहतर तरीके से हो सकता है, उसके आधार पर छोटे बड़े राज्यों का निर्माण किया। इसमें और भी चीजें हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। इसमें और थोड़ा आगे चलते हैं तो ये डिटेल और क्लियर होगा कि आखिर ये राज्यों का संघ क्या होता है और फेडरेशन क्या होता है। समझते हैं इसको कि देखो, जब प्रकृति की बात आई तो जो यूनियन है इसमें
जो फेडरेशन है उसका भी तत्व मिलता है और जो यूनिटरी स्टेट है उसका भी। फेडरेशन जिसको कि हम लोग संघात्मक व्यवस्था या फेडरल स्टेट के नाम से जानते हैं, ये फेडरल स्टेट जो था वो मूल रूप से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हुआ, अमेरिका के रूप में जाना गया। अमेरिका में जो अमेरिका था वहां पे कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं राज्य की, जैसे वहां पे दोहरी सरकार है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यों में भी एक स्वतंत्र सरकार है और दूसरा वाशिंगटन डीसी में भी एक स्वतंत्र सरकार है। दूसरी बात, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर पाया जाता है। मतलब जो भी राज्य हैं इनको स्वास्थ्य, शिक्षा, अग्निशमन, सफाई जैसे कार्य जो हैं यहाँ पे करने होते हैं, वही जो पूरा संघ का केंद्र होता है वो रक्षा, विदेश, संचार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों को वहां से देखा जाता है। ठीक, तो शक्तियां अलग अलग हैं, कार्यों में दोहराव नहीं होगा। तीसरी बात है कि राज्य और संघ के बीच में लिखित संविधान पाया जाता है। तो एक संविधान पर लिख दिया गया है कि कौन से कार्य संघ करेगा और कौन से कार्य राज्य करेगा। ठीक, इसी संविधान को सबसे बड़ा कानून मान लिया गया और संविधान की सर्वोच्चता जो है उसको केंद्र भी स्वीकार करता है और राज्यों द्वारा भी स्वीकार किया जाता है। अब इसी में अगर कभी कोई विवाद हो जाए कि कौन सा विषय केंद्र का है और कौन सा राज्य का है, तो उसको निर्णय देने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका भी पाई जाती है। और साथ में एक और बात क्या है कि संविधान में जब कोई परिवर्तन किया जाएगा तो उसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी शामिल करना पड़ेगा और राज्यों के, अधिकांश राज्यों की जब सहमति बनेगी तभी संविधान में परिवर्तन होगा। ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। तो ये जो चारों पांचों विशेषता है ये वास्तव में अमेरिका के परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई। जैसा पिछले क्लास में चर्चा हुआ कि अमेरिका पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उपनिवेश था उस समय यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे स्वायत्त शासी प्रदेश अमेरिका में स्थापित हो गए। 13 राज्य जो थे उस समय तक बन जाते हैं जब ब्रिटेन से अमेरिका को आजादी मिलती है। तो ये 13 राज्य जो थे जब स्वतंत्र हुआ ब्रिटेन से अमेरिका, तो 13 राज्यों के ये अलग अलग प्रतिनिधि जो थे ये आपस में बैठते हैं और फिर ये समझौता करते हैं कि आखिर कैसे एक नया राज्य बनाया जाए जिसमें राज्यों की स्वायत्तता, जो उनका नियंत्रण है, जो काम करने की क्षमता है, वो भी प्रभावित ना हो और साथ में एक मजबूत केंद्र जो है वो भी खड़ा रहे और देश को बचाए। तो ये बात जो था ये तभी हो सकता था जब कार्यों एवं शक्तियों को संविधान में लिख दिया जाता, जब संविधान के आधार पर जो था दोनों जगह शासन चलता और उसी को न्यायपालिका निर्णय देती कि भाई किसका काम है और किसका नहीं है। तो इन्हीं परिस्थितियों में जब राज्य एक साथ बैठे, समझौता किए, तब एक संघ बना और ये संघ जो था वो अमेरिका का संघ था। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। अब आते हैं राज्य की प्रकृति में ही एक दूसरे तरह का राज्य है जिसको एकात्मक राज्य कहा जाता है और ये आपने पीटी में पढ़ा ही होगा कि एकात्मक मतलब जिसमें सारी शक्तियां एक ही केंद्र में स्थित हो। ये जो है वो ब्रिटेन का एक मैप है और इसमें ये महारानी विक्टोरिया है। अब देखिए जो एकात्मक राज्य होता है इसमें संघात्मक से ठीक अलग स्थितियां पाई जाती हैं। अलग स्थिति कैसे, तो यहाँ पे जो सरकार बन रहा है वो मूल रूप से सरकार एक ही होता है। लंदन में बैठ के ही जो सबसे बड़े स्तर का सरकार है वो काम करेगा, मतलब एक सरकार होती है, दोहरी सरकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा, शक्तियों का प्रत्यायोजन मतलब डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि निर्णय लेने की मूल शक्ति इसी केंद्र के पास है, यही जवाबदेह होगा, लेकिन अपनी सीमित शक्तियों को ये जो है वो स्कॉटलैंड के प्रतिनिधियों को सौंप सकता है, ये वेल्स के प्रतिनिधियों को सौंप सकता है और ये
नॉर्दर्न आयरलैंड के प्रतिनिधियों को भी सौंप सकता है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी या फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इसी लंदन में रहेगा। तो ये हुआ प्रत्यायोजन, स्वतंत्र निर्णय ये लोग नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, संविधान अलिखित है ब्रिटेन का। कुछ ऐसे और भी एकात्मक राज्य हैं जहां पे संविधान लिखित भी होता है, जैसे जापान, तो ये नया है, लेकिन ब्रिटेन सबसे पुराना और पूरे संविधान का जनक कहा जाता है। आगे, यहां पे संविधान सर्वोच्च नहीं होता है, बल्कि सर्वोच्चता होती है संसद की। संसद ही किसी कानून को बना रहा है और किसी कानून में परिवर्तन कर रहा है। आगे, यहां संविधान अत्यंत लचीला होता है, मतलब कि संसद जैसे सामान्य विधियों में परिवर्तन करता है, वैसे ही जो है वो संविधान में भी परिवर्तन कर देता है। तो देखो इस तरह से कि ये परिवर्तन, महारानी जैसे किताब लेके बैठी हुई हैं, तो खुद से ही मान लो इनको विचार आया कि भाई अब जो है टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, इनकम टैक्स के दायरे में 2,00,000 रुपए से अधिक वाले सारे लोग आ जाएंगे, तो ये काम जो है लंदन में जो इनका प्रधानमंत्री और संसद बैठता है बड़े आसानी से कर सकता है। तो ये हुआ एकात्मक। यहाँ पे ये जो वेल्स हुआ, स्कॉटलैंड है या फिर नॉर्दर्न आयरलैंड है, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो विरोध नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी व्यवस्था, चाहे वो अमेरिका की व्यवस्था हो या ब्रिटेन की व्यवस्था हो, इसमें इस तरह का अंतर क्यों पाया गया? तो यहाँ ये भी समझ लेना है कि देखो ब्रिटेन का क्षेत्रफल मुश्किल से हमारे अंडमान निकोबार इतना बड़ा है, लेकिन वही अगर अमेरिका की बात करते हैं तो ये अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां पे अगर वाशिंगटन डीसी से कोई चीज के विषय में अगर मान लो कि कोई आदेश लेना है, तो उस आदेश को लेने में भी हो सकता है कि 3 से 4 दिन लग जाता 18वीं शताब्दी में। आज की तरह मोबाइल उस समय नहीं था, तो उस समय की एक आवश्यकता भी थी कि बड़ा क्षेत्रफल है, बड़ी जनसंख्या है, तो डिसीजन मेकिंग सेंटर अलग अलग होने चाहिए। वही लंदन ब्रिटेन वगैरह में चूंकि छोटा देश है, तो एक ही जगह से सारे जगह का मेन मेन काम हैंडल कर सकता था। अब आते हैं भारत पर, कि भाई भारत की जो ये राज्यों की संघ वाली व्यवस्था है, भारत ने ऐसा क्यों चुना? तो भारत में एक मिक्स्ड सिस्टम को अपनाया गया, जहां पे संघात्मक व्यवस्था भी है और एकात्मक व्यवस्था भी है। ऐसा इसलिए अपनाया गया क्योंकि भारत जो था एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाह रहा था, और साथ में एक सशक्त केंद्र, मतलब केंद्र भी शक्तिशाली हो और राज्य जो है वो सक्षम राज्य हो, जो अपने कार्यों को पूरी तरह से करने में सक्षम हो, उनके पास इतने जो है वो कार्मिक हो, इतनी वित्तीय उनके पास क्षमता हो कि आपको सस्ते दर पर पानी उपलब्ध करवाए, बिजली उपलब्ध करवाए, चिकित्सा सुविधाएं दे। तो ऐसा तभी हो सकता था जबकि हम दोनों चीजों को मिला करके आगे बढ़ते। तो भारतीय संविधान निर्माताओं को चूंकि ये अवसर मिल रहा था, वहां पे जो भारत का संघ था वो किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं था जैसा अमेरिका वाला दिख रहा था, बल्कि हमारे यहाँ संविधान सभा जो थी वो संप्रभु थी और वो किसी भी तरीके से राज्यों का निर्माण कर सकती थी। तो यहीं पे इन्होंने यूनियन शब्द को चुना, जिसमें संघात्मक चरित्र के भी कुछ संघात्मक फीचर्स को भी लाए और साथ में एकात्मक तत्वों को भी रखा। अब संघात्मक जो व्यवस्था आई थी उसके देखो तो सारे गुण पाए जाते हैं भारत में, जैसे दोहरी सरकार है, शक्तियों का विभाजन है, अपने यहाँ लिखित संविधान भी है, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और कठोर संविधान, तो ये सारे फीचर हमारे यहाँ हैं। लेकिन एकात्मक फीचर कहें तो एकात्मक के फीचर भी ध्यान रखना है, इसको समझना भी है और रटना भी है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा, जो प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वहां पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जो इसमें है अब इसको समझ लेते हैं। पहला, हमारे यहां एकात्मक का फीचर क्या है कि एकल संविधान है। अब अमेरिका में दोहरा संविधान है, एक राज्यों का अलग संविधान होता है और केंद्र का अलग होता है। हमारे यहाँ अब तक जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां पे 2 संविधान था, लेकिन अभी उसको खत्म कर दिया गया है। दूसरी बात, हमारा संविधान जो है उसमें कठोरता के साथ लचीलापन भी पाया जाता है। संसद
लगभग आधे संविधान को बिना किसी विशेष राज्यों की सहमति के जो है विशेष बहुमत या सामान्य बहुमत से परिवर्तित कर सकती है। तो इसी को कहा जाता है लचीला संविधान। दूसरा, मजबूत केंद्र है, मतलब केंद्र के पास जो हम शक्तियों का विवरण देख रहे थे, तो केंद्र के पास जो शक्तियां दी गई वो शक्तियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। केंद्र के पास वर्तमान में 100 हैं, जबकि मूल संविधान में 97 विषय रखे गए थे। वहीं जब राज्यों को देखे तो राज्यों के पास जो मूल संविधान था उसमें 66 शब्द थे, लेकिन आज वो घटकर केवल 61 ही रह गए हैं। तो राज्यों को एक तो सब्जेक्ट कम दिया गया, दूसरा अवशिष्ट शक्तियां जो ये 268 में है, अवशिष्ट शक्तियां, ऐसी शक्तियां जो कि संघ सूची, संवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है, उस पर निर्णय कौन करेगा। तो ये निर्णय करने की शक्ति फिर से केंद्र सरकार को दी गई। अमेरिका में यही स्थिति जो है वो राज्यों की है, राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई है। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए, अमेरिका में जो भी गवर्नर बनता है स्टेट का, उसका निर्वाचन होता है, वो जनता का प्रतिनिधि होता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, वैसे ही अमेरिका का राज्यपाल भी होता है, जनता चुनाव करती है। लेकिन हमारे यहाँ राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये नियुक्त राज्यपाल वास्तव में दो भूमिकाएं निभाता है, एक तो राज्य का प्रमुख होता है और दूसरा संकटकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का ये अभिकर्ता या एजेंट होता है। मतलब अगर उसको लगता है कि राज्य का शासन केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार या उसके जो है लक्ष्यों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति से कहकर वहां पे राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकता है। तो राज्यपाल की भूमिका थोड़ी सी संदेहास्पद रही है, थोड़ी सी विवादास्पद रही है स्वतंत्रता के बाद, और नियुक्ति उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगला, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। फिर से वही अंतर आता है, किसी भी एकात्मक राज्य में, जैसे आप ब्रिटेन का उदाहरण लेंगे, तो वहां पे एकल नागरिकता है, कोई वेल्स का या स्कॉटलैंड का नागरिक नहीं है, बल्कि पूरा ब्रिटिश सिटीजन, इंग्लिश जिसको कहा जाता है। वही अमेरिका में नागरिकता दो होती है, एक तो पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सिटीजन है, उसके बाद दूसरा हो सकता है वो कैलिफोर्निया का सिटीजन हो, या ओहायो का सिटीजन हो, या जो है वो फिलाडेल्फिया जैसे जो है उसका सिटीजन हो। तो अलग अलग राज्यों का भी वो नागरिक हो सकता है। आगे, लेखा परीक्षण, जो आप सीएजी पढ़ते हो, तो सीएजी में आर्टिकल 148 के तहत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, संवैधानिक पद है। यही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र का भी लेखा देखते हैं और यही राज्यों का भी देखते हैं। यहाँ तो राज्यों में एक स्टेप और ज्यादा दिखाई पड़ता है। देखो, होता यह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं राज्यों में, वो दो काम करते हैं। एक तो वो लेखांकन का काम करते ही हैं, मतलब ऑडिट का काम तो करते ही हैं, साथ में वो लेखा परीक्षण, अब देखो लेखा परीक्षण और लेखांकन, अकाउंट और ऑडिट, लेखा परीक्षण दो काम करते हैं, मतलब अकाउंट भी रखते हैं और उसका ऑडिट भी करते हैं। तो राज्यों में लेखांकन मतलब अकाउंटिंग का भी काम करते हैं और ऑडिट भी करते हैं, वहीं केंद्र में जो सीएजी होते हैं वो केवल ऑडिट का काम करते हैं, मतलब कि लेखा परीक्षण का काम करते हैं। केंद्र में 1971 में एक सुधार हुआ था, उसके बाद उनके लेखांकन का काम जो होता है, लेखांकन का काम मतलब क्या कि ये जो आपका कोई सीट है, बैलेंस सीट बना हुआ है, इसमें इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह लिखा हुआ है, तो इसको इनपुट, इसको नोट करने का काम हुआ लेखांकन। तो केंद्र में लेखांकन मतलब लिखने का काम वो मुक्त हो चुके हैं, केवल इसके औचित्य का परीक्षण कर रहे हैं कि जो लिखा गया है वो ठीक है या नहीं है, उस उद्देश्य के लिए है या नहीं जिसके लिए ये धन दिया गया, खर्च जो है विवेकपूर्ण तरीके से किया गया या ऐसे ही कोयला घोटाला कर दिया गया, तो ये सारी बातों का वो परीक्षण करते हैं। और लेखांकन के बाद भारत में एक और अलग चीज पाया जाता है, वो है अखिल भारतीय सेवा।
ऑल इंडिया सर्विस, और इसका उल्लेख दिखाई पड़ता है आर्टिकल, ये पूछा जाता है 312 में, अनुच्छेद 312 में तीन अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। कौन कौन सा अखिल भारतीय सेवा? IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पहला, IAS एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये फॉरेस्ट वाला सबसे बाद में बना था। ये जो सर्विस होता है वो केंद्र और राज्य दोनों में सेवाएं देता है। केंद्र में आमतौर पे जो केंद्र का अपना कर्मचारी होता है वो केंद्रीय सेवा के सदस्य होते हैं, और राज्य के राज्य सेवा के, लेकिन ये कुछ समय जो है राज्य में काम करते हैं और कुछ समय केंद्र में जाके काम करते हैं। तो ऐसा सेवा किसी भी फेडरेशन या किसी भी यूनियन में नहीं पाया जाता है। ये एक्चुअली जो लीगेसी है वो ब्रिटिश लीगेसी है, और इसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि पूरे देश के इंटीग्रेशन में ये बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कुल मिला के इसको समझिए कि अगर आप एक शर्ट को देखते हैं और उसमें जो धागा बुना हुआ होता है ये ठीक उसी धागे की तरह काम करते हैं और सब चीजों को जोड़ के रखे हुए, नहीं तो भारत में जितनी विविधता है सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अगला है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। इसका जो उदाहरण से भी समझ लीजिए, अमेरिका में भी राज्यसभा मतलब अपर हाउस है और उसको कहा जाता है सीनेट, सीनेट, और इस सीनेट में केवल 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य हैं, और 100 सदस्य कैसे हैं? तो अमेरिका के 50 राज्यों में हरेक राज्य से दो मेंबर आते हैं, मतलब 50 × 2 = 100। तो हरेक राज्य चाहे वो बड़ा राज्य हो या छोटा राज्य हो, दो सदस्य तो सीनेट में आएंगे ही आएंगे। लेकिन भारत में क्या है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में दिखेंगे तो 81 सदस्य दिखाई पड़ते हैं, वहीं सिक्किम में दिखेंगे तो एक दिखाई पड़ते हैं, और भी कुछ छोटे राज्य हैं जहां पे है भी नहीं। तो राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व संघ में करती है वहां पे भी राज्य के जो महत्व है उस पर विचार किए बिना राज्य की जनसंख्या को दिया गया है महत्व, और प्रतिनिधियों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया, जो कि एकात्मक विशेषता को बता रहा है। आगे आपातकालीन प्रावधान। तो सामान्य काल में तो इतना चीज अलग दिखाई पड़ ही रहा है, लेकिन जब आपातकाल आ गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो या राज्यों में आपातकाल हो या वित्तीय आपातकाल हो, उस समय सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं और राज्य जो हैं वो एक तरह से केंद्र के दिशा निर्देशों के आधार पर ही काम करते हैं। तो कुल मिला के भारत में जो संविधान है वो राज्य की ऐसी प्रकृति निर्धारित कर रहा है जिसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों अभिलक्षण पाए जाते हैं। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, ऐसा करने का वास्तव में पर्पस क्या था कि भारत, देखो एक कंपेयर कर लो कि जब भारत 1950 के आसपास आया उसी समय एक और देश का नाम सुन रहे होगे, यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया। अब चूंकि आप लोग हायर स्टैंडर्ड में हैं तो देख रहे होंगे मैप पे आज ये यूगोस्लाविया कहां है, तो आपको ये कहीं नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि एक कमजोर संविधान ने जो इसके अलग अलग क्षेत्र थे उनको टूटने का अवसर दिया और वो पूरा क्षेत्र विखंडित हो गया। लेकिन वही हमारा मजबूत संविधान भारत में इतनी विविधता और साथ में इतने विभाजनकारी जो तत्व हैं उनके होने के बावजूद भी इतनी शक्तियां केंद्र को देता है कि राज्य मजबूती के साथ पिछले 70 सालों से खड़ा है। ठीक है, आगे आओ। अब जो ये थोड़ा सा अलग टाइप का हमारा संघ का नेचर बना, तो इस पे फिर तो क्वेश्चन वाद विवाद तो होना ही था कि भाई तुम लोग अलग कुछ कर रहे हो। तो ये वाद विवाद जब लोगों के पास हमारा संविधान पहुंचा तो पहुंचते ही शुरू हो गया। सबसे पहले जो केसी वियर, ये दाढ़ी वाले जो है वो केसी वियर है, बहुत दिन से दाढ़ी नहीं बनाए हैं, केसी वियर, केसी वियर ने कहा कि भारत का संविधान जो है वो क्वासी फेडरल है, मतलब अर्ध संघीय है। अर्ध संघीय का मतलब यह हुआ कि यह संघ नहीं है बल्कि आधा तीतर और आधा बटेर है, इसमें संघ और राज्य दोनों का मिश्रण पाया जाता है। तो ये आधा तीतर आधा बटेर
इनके हिसाब से लग रहा था, लेकिन हमने तो वही चुना जो हमारी परिस्थितियों के अनुसार सबसे अधिक सुटेबल हो और सबसे अच्छे तरीके से हम उसको लागू कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, यूपी ने अभी इसको पूछा था कौसे क्वासी और कौसे केसी वियर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी ने ही पूछा है। दूसरा, एक अमेरिकी विचारक थे पॉल एपलबी, ये है पॉल एपलबी, ये अमेरिका से भारत बुलाए गए थे यहाँ पे, चूंकि हम लोग जब आजाद हुए तो हमको कुछ अकाउंटिंग की समस्या आ रही थी, उस समय दो बार इनको बुलाया गया, एक बार 1951 में बुलाया गया और एक बार 1954 में बुलाया गया। तो एपलबी से पूछा गया कि भाई हमारा संविधान कैसा है, थोड़ा इसमें भी टीका टिप्पणी कर दो। तो ये बड़ा अच्छा टिप्पणी किया कि आपका संविधान बहुत बढ़िया है और ये एकदम एक्सट्रीमली फेडरल है, मतलब बहुत ज्यादा संघीय है इसमें, इस तरह की कोई बात नहीं दिखाई पड़ती है। तो इन्होंने इसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन किया कि आपका संविधान अच्छा है। तो याद रखना है एपलबी अत्यंत संघीय। अगला, इसी तरह का विचार जो था संविधान विशेषज्ञ आइवर जेनिंग्स ने दिया है। ये आइवर जेनिंग्स हैं, बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे। अब इस फोटो में तो उनका जिस तरह का उनका विशेषज्ञता है उसी को प्रदर्शित किया जा रहा है। और इसमें इन्होंने कहा मजबूत केंद्र वाला राज्य, आइवर जेनिंग्स ने भी इसी तरह की बात को कहा है कि आपका केंद्र मजबूत है और राज्य जो है कुछ कमजोर दिखाई पड़ते हैं। तो ये आइवर जेनिंग्स का कथन है। अब सबसे लास्ट में ग्रेनविल ऑस्टिन, ये है ग्रेनविल ऑस्टिन, और इनका जो विचार था वो कहा कि देखो आपका संविधान वास्तव में कार्यात्मक संविधान देता है और वो संविधान है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब इसका क्या मतलब हुआ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो एक नया टर्म ही दे दिए ग्रेनविल ऑस्टिन, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन देखो बड़ी बड़ी आंखों के साथ ये बड़ा विश्लेषण कर रहे हैं। वास्तव में होता क्या है कि केंद्र से मान लीजिए कि ऊपर प्रधानमंत्री अगर किसी योजना के बारे में बात करते हैं तो उसी योजना को फिर से राज्यों में भी अपनाया जाता है। जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य दिया कि 2019 तक जब महात्मा गांधी की जो 75वीं उनकी जन्मतिथि को मनाया जाएगा तो पूरा भारत जो है वो स्वच्छ भारत में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब स्वच्छ भारत का उन्होंने उद्घोष किया। अब इसी स्वच्छ भारत के लिए जो अभियान केंद्र ने शुरू किया राज्यों ने बढ़ चढ़कर उसको लागू करना शुरू किया। हर जगह पे टॉयलेट बनवाने के लिए पैसा दिया गया, हर जगह पे सफाई को उन्नत किया गया। तो कुल मिला के देखिए केंद्र ने दिशा निर्देश दिया, केंद्र ने पैसा दिया, केंद्र ने तकनीक बताई और उसका फाइनली आउटकम होता है कि हमारा एक जो देश है वो लक्ष्यों को केवल निर्धारित नहीं करता है बल्कि राज्य के साथ मिलकर उसको अचीव भी करता है। तो यही सहकारी संघवाद है जिसमें केंद्र और राज्य परस्पर सहयोग से काम करते हैं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने इस जो फंक्शनल फेडरलिज्म है इसकी चर्चा की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये मेंस में भी पूछता है डिस्क्रिप्टिव वाले में। आगे आते हैं, इसके बाद यहीं पे अनुच्छेद एक में ही एक खास बात की चर्चा है, वो है भारत का राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भारत का राज्य क्षेत्र है वो भारत के संघ से थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा स्कोप और ज्यादा हो जाता है। क्या स्कोप होता है उसको देखिए कि अनुच्छेद कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में पहला तो राज्यों का राज्य क्षेत्र शामिल होगा, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र का शामिल होगा, लेकिन तीसरा जो अर्जित क्षेत्र हैं और जो अब तक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र नहीं हैं वो भी शामिल किए जाएंगे। अब यहां पे ध्यान रखना है कि जब भारत के राज्य क्षेत्र की बात होगी तो आज जो हम लोग 28 राज्य देख रहे हैं वो 2800 राज्य का पूरा भाग भारत के राज्य क्षेत्र का भाग है। संघ राज्य क्षेत्र आज 8 हो गए हैं, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया है और साथ में जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है वो एक नया यूनियन टेरिटरी बना है। तो 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, ये भी इसके भाग होंगे। लेकिन अर्जित क्षेत्र, जैसे हमने किसको अर्जित किया आजादी के बाद,
अब याद करिए कि हमने पौंडीचेरी को अर्जित किया, हमने जो है गोवा को अर्जित किया, तो ऐसे क्षेत्र जो है जब जिस दिन अर्जित होता है उसी दिन शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि पहले तो उस पर नियंत्रण होगा, फिर विधेयक लाया जाएगा, फिर उसमें प्रावधान बनेगा कि इसको यूनियन टेरिटरी बनाए या क्या बनाए, तो फिर उसको बाद में शामिल किया जाएगा। तो इस बीच का जो प्रोसेस होगा, ऐसे क्षेत्रों को अर्जित क्षेत्र में रखा गया और वो सारे अर्जित क्षेत्र जो है वो इस राज्य क्षेत्र के भाग होंगे। तो कुल मिला के अगर देखें तो भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो वास्तव में भारत संघ से अधिक बड़ा दिखाई पड़ता है। इसमें भारत जो है विदेशों में अगर कोई चीज खरीद रहा है, भारत सरकार खरीदती है, तो वो भी उसका हिस्सा बन जाता है। आगे आते हैं, यहां पे अब आते हैं अनुच्छेद दो पे। अनुच्छेद एक में यही बात, अनुच्छेद दो जो दिखाई पड़ता है वो हमको बताता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ये जो नए राज्य है, यहां ध्यान रखिएगा, नए राज्य मतलब जो जैसे कोई क्षेत्र अर्जित किया जाता है, अब उसको राज्य के रूप में शामिल किया जाए, संघ राज्य क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाए, ये सारा प्रावधान यही अनुच्छेद दो देता है। तो इसका मतलब नए क्षेत्रों से है, ऐसे क्षेत्र जो अब तक भारत में शामिल नहीं है। जैसे इसका उदाहरण जो दिखाई पड़ता है वो सिक्किम दिखाई पड़ता है। सिक्किम जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय सिक्किम में चोग्याल राजा, ये चोग्याल राजा है, चोग्याल राजा का शासन हुआ करता था। और चोग्याल राजा ने जैसे नेपाल है, भूटान है, अपना एक अलग उन्होंने जो है डायनेस्टी उनकी थी वो स्थापित थी राजवंश, वैसे ही इसने भी कहा कि हम भी स्वतंत्र ही रहेंगे। तो ठीक है, भारत सरकार ने भी कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र ही रहो। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो राजा था वो थोड़ा सा निरंकुश हो गया और अपने लोगों पर बर्बरता कर रहा था और विरोध जो है करने पे उनका दमन कर रहा था। इसी समय एक आदमी जो थे आए नेता, और उनका नाम था दोरजी भाई। दर्जी भाई याद रख ले तो बढ़िया याद रहेगा, लेकिन दोरजी भाई, दोरजी भाई के नेतृत्व में पीड़ित जनता ने आंदोलन किया और भारत सरकार से मदद भी मांगी कि भैया इसको हटाओ और हमको फिर से भारत में शामिल कर लो। तो वो जो कंडीशन बना वो वास्तव में इसी अनुच्छेद दो से संबंधित था, जिसमें सिक्किम को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया और पहले सिक्किम जो था वो एक सहयुक्त राज्य मतलब एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल हुआ। और ये शामिल होता है 35वां संविधान संशोधन 1974 से, फिर 36वें संविधान संशोधन से अगले साल ये पूर्ण राज्य के रूप में, भारत का 22वां राज्य था, ये पूर्ण राज्य के रूप में शामिल कर लिया जाता है। तो ये नए क्षेत्र थे, उस समय भारत में शामिल नहीं था। अनुच्छेद दो कहता है कि अब ये काम कैसे होगा, तो देखिए इसके लिए पूरा अनुच्छेद संसद को प्राधिकार सौंप देता है, पार्लियामेंट कैन डू सो। तो जब ये संसद को सौंपता है तो साथ में कहता है कि नहीं, पार्लियामेंट अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए कानून का निर्माण होगा, और चूंकि विधि का शासन है तो पालन करना ही होगा। और साथ में क्या करना है कि संसद ऐसे शर्त जिसको कि वह ठीक समझता है, मतलब बार्गेनिंग करने की पूरी छूट दे दी कि संसद किसी को कैसे अर्जित करेगा। तो अर्जित करने के लिए अगर संसद को कुछ जो है, मान लो उसको स्पेशल स्टेटस देना पड़ जाए, या ये कहे कि उसके राजा को हम आजीवन राज्यपाल बना के छोड़ देंगे, या आपका जो बेटा है उसको हम लोग जो है भारत का ब्रिगेडियर का जो उपाधि दे देंगे, ऐसे हम लोग करते हैं, पहले करते रहे हैं, और अभी आएगा राज्य पुनर्गठन वहां बताएंगे। तो ऐसे कुछ शर्तें जो संसद चाहे तो उनको दे सकता है, साथ में संसद जो है विधि भी बनाएगा, इससे कोई नया भाग भारत में शामिल हो सकता है। सिक्किम इसका उदाहरण था। अब आते हैं कि जो राज्य हैं वहां क्या होगा, जो पहले से राज्य, जो पहले फोटो में हम लोग देखे जो 28 राज्य हैं, अगर इसमें कोई परिवर्तन करना होगा तो अब क्या। तो संविधान ये इसी का अनुच्छेद कहता है कि अब जो नए राज्य हैं, जो वर्तमान राज्य हैं, इसमें आर्टिकल 3 से ये जुड़ा हुआ है, और इसमें
संसद को यह अधिकार दिया गया कि फिर से संसद विधि द्वारा, ऐसे नहीं, विधि द्वारा क्या क्या कर सकता है वर्तमान राज्यों के संदर्भ में। तो संसद विधि द्वारा 5 काम कर सकता है, या तो 2 या 2 से अधिक राज्यों से। मान लेते हैं कि ये जो है एक उत्तर प्रदेश का, इस तरह से उत्तर प्रदेश अगर बनाए तो उत्तर प्रदेश का एक भाग हो और यहां से ये काटकर पूर्वांचल बना दें इधर, और इधर जो है अवध बना दें, तो ये भी संभव है, ये किया जा सकता है। ठीक है, संसद को ये अधिकार है कि एक राज्य को ही टुकड़ों टुकड़ों में बांट दे, जैसे बिहार से झारखंड काट के बना दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया गया, वैसे ही 2 या 2 से अधिक राज्यों से भी कुछ पार्ट लेके एक नया राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो नए राज्य का निर्माण हो सकता है एक राज्य के कुछ पार्ट को बांटकर या 2 या 2 से अधिक राज्यों से कुछ पार्ट लेकर के। वही संसद को अधिकार है कि किसी राज्य क्षेत्र की सीमा का विस्तार भी कर सकता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का नक्शा जो अभी दिख रहा है, अब इसमें मध्य प्रदेश से विवाद हो जाए और मध्य प्रदेश का जो इलाहाबाद से लगा हुआ क्षेत्र हो, वो बाद में पता चलता है कि वहां के लोग चाहते हैं कि हमको उत्तर प्रदेश में शामिल कर लिया जाए, तो इस संदर्भ में जो जनमत संग्रह या परिसीमन होगा उसमें केंद्र सरकार के पास ये बात जाएगी कि लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में आ जाए, तो ऐसा काम संसद कर सकता है। तीसरी बात, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा में कमी भी कर सकता है। ठीक वही स्थिति मध्य प्रदेश की सीमा में, अब ये जगह कम हो जाएगा। अब राज्य की क्षेत्र का विस्तार, क्षेत्र में कमी, सीमा में परिवर्तन, मतलब जैसे ही क्षेत्र में विस्तार या वृद्धि होगी सीमा बदल जाएगा, या दूसरा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट ले लिया यूपी में और कुछ पार्ट एमपी को फिर से दे दिया, तो आदान प्रदान भी करवा सकता है, राज्य पुनर्गठन हो रहा है, हुआ है। इसी तरह से राज्य के नाम में भी परिवर्तन हो सकता है, नाम में परिवर्तन, जैसे पहले उड़ीसा नाम था, अब उसका नाम हो गया ओडिशा, तो ये ओडिशा नाम जो है उड़ीसा ने अपने नहीं किया बल्कि प्रस्ताव पारित करके संघ के पास भेजा गया और फिर संघ ने फाइनली डिसीजन लिया कि हाँ ये काम हो सकता है और फिर बाकी की कार्रवाई हुई। लेकिन ये जो कार्रवाई परिवर्तन संघ कर रहा है, संसद कर रही है, उसके लिए कुछ बातों का होना जरूरी है और ये बात है आवश्यक शर्त। इसी अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि जो शर्त है वो अब क्या क्या होगा। 2 शर्तों की चर्चा संविधान करता है। पहला, चाहे वो राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन हो, किसी क्षेत्र को बढ़ाना हो, घटाना हो या नया राज्य बनाना हो, इस संदर्भ में जो भी प्रस्ताव पास होगा, ये प्रस्ताव सबसे पहले राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये संसद में तभी प्रस्तुत होगा जब राष्ट्रपति इसको पहले से ही स्वीकृति देके भेजे, क्योंकि राष्ट्रपति वास्तव में भारत के जो है वो संघ के प्रमुख हैं, भारत के प्रमुख हैं, तो इनको अगर काम करने में दिक्कत हो रही है तो यही कहेंगे कि फिर हमको एक नया राज्य दो, वहां पे हम अपने कुछ स्टाफ को बैठाएंगे और वो फिर अच्छे से सर्विस को डिलीवर कर पाएंगे। तो कुल मिला के इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रपति को पहले से राष्ट्रपति की अनुमति, वो वास्तव में कुछ इस तरह से समझिए कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख हैं और काम इन्हीं के नाम से होता है, अगर इनको काम में दिक्कत होगी तो ये डिमांड करेंगे नया स्टेट दो। तो इसीलिए पहले से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है और राष्ट्रपति के नाम से ही ये संसद में विधेयक जाएगा। ठीक, लेकिन इस बीच में क्या है कि एक दूसरा शर्त है और ये शर्त कहता है कि अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को भेज रहे हैं संसद में तो इससे संबंधित जो राज्य हैं, जैसे ऊपर का उदाहरण लिए उत्तर प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश, इसी तरह से पश्चिम बंगाल का कोई पार्ट अगर असम को देना हो, जैसे गोरखालैंड का डिमांड हो रहा है नया गोरखालैंड बना के देना है, तो अगर इस तरह के राज्यों का निर्माण होता है तो वहां पे जो मूल राज्य है जिसमें जिसके भाग को काटा जाएगा उस राज्य की विधानसभा से भी परमिशन लिया जाएगा, परमिशन नहीं पूछा जाएगा, राय विचार उसे किया जाएगा कि क्यों भैया हम जो है इसको बांटना चाह रहे हैं, तो आप इस पे सहमत हो कि नहीं हो। अब देखिए यहां पे पूछा या राय विचार जो लिया जाएगा इसमें राज्यों की स्थिति बड़ी
जो है वो दोयम दर्जे की है, सेकंड क्लास सिटीजन की है। ना तो वो हाँ कहे तो केंद्र सरकार माने और ना ही ना कहे तो केंद्र सरकार माने। मतलब इनके हाँ नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो कई बार राज्य जो है इस तरह से चुप साध लेते हैं और मौन रूप से ही उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। थोड़ा बहुत कुछ लोग हो अल्लाह भी करते हैं, लेकिन यहाँ ये ममता बनर्जी हैं और वो मौन है। आगे चलते हैं, वैसे सबसे ज्यादा हल्ला यही करती हैं। यहां पे दो बातें और ध्यान देनी है, वो है कि ये जो कुछ परिवर्तन हो रहा है राज्यों के नाम में, सीमा में, क्षेत्रफल में, ये परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। भले ही संविधान में परिवर्तन होता है, संविधान का जो हम लोग अनुसूचियों पर चर्चा किए तो पहली अनुसूची पूरी तरह से बदल जाएगी। आज जम्मू कश्मीर बना और लद्दाख बना तो उस अनुसूची में दोनों वर्ड बदल गए, लेकिन फिर भी संविधान ने इसको विशेष स्तर देते हुए इसे कहा कि इसको संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। मतलब संसद को ये एक तरह से वीटो पावर मिल जाता है। और दूसरी और बात जो ध्यान रखना है, जहां अक्सर गलत होता है, कि यहाँ पे संसद सामान्य बहुमत से फैसला करती है। सामान्य बहुमत मतलब यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि तीन लोग अगर संसद में हैं और दो लोगों ने यस यस कर दिया और एक ने नहीं कहा, तो बहुमत क्या होगा? यस के पक्ष में दो हो गए और यहाँ पे एक हो गया, तो दो एक से ये बिल पारित हो जाएगा। विशेष बहुमत जैसे कुछ जो प्रावधान है वो अलग जगह यूज होंगे और उसको भी बताएंगे क्या होता है विशेष बहुमत। तो ये प्रावधान सामान्य बहुमत से ही पारित होता है। तो सामान्य बहुमत से पारित होने का मतलब क्या हो गया? कि ये सामान्य विधि की तरह पारित होता है। मतलब संविधान का जो लचीला स्वरूप हम लोग देख रहे थे, वो पूरा लचीला स्वरूप यहां से दिखता है। संसद सामान्य विधि निर्माण की तरह राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन कर सकती है। तो इससे कई बार ये भी प्रश्न उठता है राज्यों की तरफ से कि संविधान ने राज्यों की स्थिति गौण कर दी, लेकिन वास्तव में राज्यों की स्थिति गौण नहीं है, बल्कि राज्यों से एक तो पूछा जा रहा है और दूसरा राज्य हमारे यहाँ प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए हैं, राज्य हमारे यहाँ जो है केंद्र को मजबूती देने के लिए बनाए गए हैं। अगला, इसमें कुछ अपवाद हैं। ये जो पूरा नए राज्यों का निर्माण था, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, इसमें एक अपवाद है। अपवाद ये है कि ये जो परिवर्तन है या सीमा या नाम में परिवर्तन है या दो से अधिक राज्य को मिलाना है, उसमें कोई भी एक भाग राज्य का, किसी राज्य का, किसी विदेशी देश को नहीं दिया जा सकता है जब तक कि संविधान में संशोधन 368 के तहत नहीं हो। ये स्थिति बनी थी बेरुबारी केस 1960 से। बेरुबारी एक जगह था पूर्वी पाकिस्तान में और इसको ट्रांसफर करना था पूर्वी पाकिस्तान को, तो उस समय राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का प्रयोग करते हुए अभी आईन है उस पे आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो पूछ सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, अगर कोई विधि का सारवान प्रश्न उसमें संलग्न हो तो वो पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय से कि भैया इसमें क्या करना है। तो वहीं पे सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय कहा, गजेंद्र गडकर थे, कि नहीं, आप जो है ऐसे अधिकार संसद को संविधान नहीं देती है, इसलिए आप संविधान संशोधन के माध्यम से जाइए, तभी ट्रांसफर हो सकता है। अभी हाल ही में 2015 का ये संविधान संशोधन था, 100वां संविधान संशोधन। इसमें इसी तरह का प्रावधान किया गया कि बांग्लादेश में भारत के 111 इनक्लेव, इनक्लेव का मतलब ये होता है कि ऐसे छोटे छोटे भारत के गांव सब बसे हुए थे बांग्लादेश में, जिस पे प्रशासनिक नियंत्रण भारत का था लेकिन चारों तरफ से बांग्लादेश से वो घिरा हुआ था। ऐसे में मान लो कि वहां पे मनरेगा के तहत काम करवाना है तो काम कैसे होगा? तो पहले यहां से ये ढाका जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी ढाका से ऑर्डर लेगा, फिर जो है वो वीजा बनवाएगा, वीजा बनवा के भी छोटे छोटे गांव में जाकर कुछ काम धंधा शुरू करवाएगा। अभी इतने छोटे गांव में कुछ काम भी नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के
वहां पे किसी भी तरह के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करना, कोई भी काम धंधा सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बांग्लादेश का भी 51 इनक्लेव भारत के अलग अलग राज्यों में था, तो दोनों राज्यों को कार्यात्मक समस्याएं आ रही थी कि काम कैसे हो। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत बांग्लादेश के प्रतिनिधि साथ में बैठे और हल निकला कि नहीं, हम लोग जो है भूमि अंतरण का समझौता करेंगे, जिसको LBA कहा जाता है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, और भूमि सीमा समझौता के आधार पर 100वां संविधान संशोधन पारित हुआ और बांग्लादेश जो है वो इनक्लेवों का स्थानांतरण हो जाता है। तो इस तरह से कोई अलग भाग नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये पूरा जो भारत और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित जो प्रावधान है वो खत्म होते हैं। इसके अगले क्लास में हम लोग नागरिकता और मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।